influencing the selection of modes. University education के हमने बताया कि तीन मोड है, face to face, distance education या online online education. University education में तीनों जो modes हैं उनको select करने में students के कौन से factors हैं जो कि वो select करने में उनको help करता है. तो 1990s में studies conduct हुई थी जिसमें ये examine किया गया था कि students की intrinsic motivation, जो internal motivation है, जो interest है, वो बहुत ज़्यादा focus करवाता है और वो उनको motivate करता है कि आप कोई भी जो institution है उसको कैसे select करें. क्या उसकी area of knowledge की वजह से या career opportunities की वजह से पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी है उसको अटेंड करने की या उसको जो सिलेक्ट करने का रीज़न है वो समटाइम्स आपकी नॉलेज हो सकती है कि वहाँ पे नॉलेज ज़्यादा है, फेस टू फेस है, वहाँ पे इंट्रैक्शन होती है तो स्टूडेंट को ज़्यादा चांस मिलता है अपनी जो सलाहियत है और ज़्यादा उनको वो पॉलिश कर सकते हैं और उनको वो निखार सकते हैं. उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ साथ जो जो दूसरा जो आता है दैट इज रेपुटेशन, कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि उसकी रेपुटेशन क्या है, उसके ग्रेजुएट्स की रेपुटेशन क्या है, वहाँ पे जो ग्रेजुएट्स हैं वो जॉब मार्केट में कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं या नहीं है. फिर कैंपस का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है यूनिवर्सिटी का मोड सेलेक्ट करने में, कि अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन में चले जाते हैं, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में इन्वायरमेंट ये है कि आप कैंपस में इतनी ज़्यादा आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनके साथ इंट्रैक्शन नहीं होती, आपको ये नहीं पता कि आपके साथ पढ़ने वाले और कौन से लोग हैं, तो इतनी डिस्टेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं. और साथ साथ डिस्टेंस में कुछ लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं कि डिस्टेंस मोड में जाएँ ताकि वहाँ पर जो फ्लैक्सीबिलिटी है वो फॉर्मल में नहीं है. इसी तरीके से कैंपस का इन्वायरमेंट किस तरह से है, समटाइम्स आप ये भी देख कर स्टूडेंट्स जो है वो मोड सेलेक्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं कि इस जो कैंपस है इसका एनवायरनमेंट ये है कि वो बहुत ज़्यादा साइंस की एग्जीबिशंस होती है, फिर आपके जॉब से रिलेटेड जो एग्जीबिशंस करवाए जाते हैं, जो डिफरेंट मल्टीनेशनल या नेशनल जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वहाँ पे जॉब से रिलेटेड एग्जीबिशंस करवाते हैं और जॉब से रिलेटेड सेमिनार्स कंडक्ट होते हैं या डिफरेंट जो मोड्स हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए आप ये देखते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी में कितना स्टूडेंट को फ्रीडम दिया जाता है. उनकी एकेडमिक प्रोग्राम्स को देख के भी आप ये सिलेक्ट करते हैं कि किसी फॉर एग्जांपल के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जनरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उनमें वो डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर भी वो आपके लिए यूज़फुल नहीं होती, तो फिर आप सिलेक्ट करते हैं कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि किसी कंट्री की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो बहुत ही अच्छा, उनके जो ग्रेजुएट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, लेकिन आपका कंसर्न जो आपका जो रेलिवेंट सब्जेक्ट है वो वहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता, तो इसलिए भी आप उसको छोड़ देते हैं और किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं. फिर आपके सर्विसेज आप देखते हैं कि क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपसे फ़ीस ली जाती है तो फीस के बेस पे आपको क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं. अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर आपको मल्टी मीडिया हर एक क्लासरूम में अवेलेबल है, स्मार्ट बोर्ड्स हैं आपके लिए, सेमिनार्स करवाए जाते हैं, डिफरेंट आपकी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, नेशनल कॉन्फ्रेंसेज पे स्टूडेंट की वीक्स करवाए जाते हैं. तो इस तरह की जितनी भी सर्विसेज जो यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं वो भी स्टूडेंट को मोटिवेट करती हैं कि वो उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें या ना करें, वो ऑन दैट बेसिस सर्विसेज भी एक फैक्टर हो सकता है. फिर स्टूडेंट की पर्सनल और सोशल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि समटाइम्स जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, कैंपस का एनवायरनमेंट अच्छा है, एकेडमिक प्रोग्राम भी वहाँ पर है, सर्विसेज भी अच्छी है, लेकिन सम कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं कि अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल इश्यूज हैं या सोशल फैक्टर है कि को एजुकेशन में नहीं जाना है. समटाइम्स आप ये सोचते हैं कि हमें किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है जिसमें सिर्फ मेल का अलग हो, फीमेल का अलग हो, तो सच काइंड ऑफ अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस टू सिलेक्ट द मोड ऑफ यूनिवर्सिटी. फिर रूरल रिमोट लोकेशन पे है, अगर आप
ऐसी एरिया में है जो रूरल एरियाज में है जहां से आपको एक्सेस नहीं है, तो फिर वो जो आप डिस्टेंस सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई अप्रोचेबल जो आपके एरिया में होती है आप उसको सिलेक्ट करते हुए भी उस मैटर उस फैक्टर को देखते भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन को सिलेक्ट करते हैं या हायर एजुकेशन को सिलेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आजकल बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं और वहाँ पे आपके डिसिप्लिन भी है, सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, आप कॉम्पिटेंट भी हैं, लेकिन इकोनॉमिकली आप इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और आपको ये भी पता है कि स्कॉलरशिप्स वहाँ पे नहीं है या स्कॉलरशिप का कोई वहाँ पे इतना ज्यादा मतलब आपको वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, तो फिर आप इस फैक्टर को भी मद्देनजर रखते हुए कि अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है तो फिर भी आप वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हुए 10 बार सोचते हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी में जा सकती हूँ, जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। फिर एम्प्लॉयमेंट देखते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हैं तो उसके बाद जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो जॉब मार्केट जॉब्स में आपको कितनी क्या एक्सपेक्टेशन है कि इनके जो ग्रेजुएट्स हैं किसी भी यूनिवर्सिटी जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कि डिस्टेंस के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको ज्यादा जॉब्स मिलती हैं, या डिस्टेंस जो ओपन जो फेस टू फेस हैं उनको फॉर्मल वे में जो पढ़ाया जाता है उनको जॉब्स ज्यादा मिलती है। फिर जेंडर डिफरेंसेस है कि मेल फीमेल का इशू आ जाता है, तो वहां पे भी आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हुए बहुत ज्यादा इस चीज को देखना होता है कि कोई कंजर्वेटिव है या कोई इस तरह से है कि वो जेंडर डिफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपकी अपनी चॉइस है कि आप कहीं जाना चाहते हैं वहां पे आपको एडमिशन नहीं मिलता, या जहां आप जाना चाहते हैं या जहां नहीं जाना चाहते वहां जाते वहां पे आपको एडमिशन मिल जाता है। फिर टाइम कंस्ट्रेंट्स कि आप ये देखते हैं कि जो मेरी डिग्री है वो फलां यूनिवर्सिटी में इतने सालों में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इसको किसी और यूनिवर्सिटी की या किसी और मोड को सिलेक्ट करते हुए ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करती हूँ तो फिर वहां पे हो सकता है मेरे लिए टाइम बहुत ज्यादा लग जाए। जिस तरह से मोस्ट कॉमनली ये देखा जाता है कि जो डिस्टेंस में इंटरेक्शन ना होने की वजह से काफी ज्यादा काम जो है वो पेंडिंग में रह जाता है और जो टाइम ड्यूरेशन है वो लॉन्गर टाइम पीरियड हो जाता है, लेकिन फॉर्मल वे में एक फ्लो में सारी चीजें हो रही होती हैं तो आपका काम भी जल्दी होता है, तो टाइम लिमिटेड टाइम में आपको जो गिवन टाइम है उसमें आपको डिग्री अलॉट हो जाती है। फिर पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को देखा जाता है कि आप पर्सनल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि बेसिकली आपने आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, आपकी जो एक्सेसिबिलिटी क्या है, जैसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन सबसे पहले है तो वो भी पर्सनल पे है कि इंडिविजुअल अपनी पर्सनल चीजों को कि मेरे पास क्या एक्सेसिबिलिटी एक्सेस है किसी भी चीज को अडॉप्ट करने के लिए, अगर मैं डिस्टेंस में जाती हूँ या मैं ऑनलाइन में जाती हूँ ऑनलाइन मोड को अडॉप्ट करती हूँ तो क्या वो सारी फैसिलिटीज मेरे पास अवेलेबल हैं, लैपटॉप्स हो जाए, आपके पास इंटरनेट बहुत ज्यादा जरूरी है, देन आप कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए उस तरह से आप आइसोलेट होना पड़ता है आपको समटाइम्स, और फिर आपको गाइडेंस मिलती है कहीं गाइडेंस नहीं मिलती, तो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करते हैं कि आपने कौन से मोड में जाना है, आइदर आपने डिस्टेंस में जाना है, आपने ऑनलाइन में जाना है या फेस टू फेस पे। सो यू बिफोर सिलेक्टिंग द मोड ऑफ यूनिवर्सिटी यू नीड टू कंसिडर ऑल दीज फैक्टर्स फॉर considering the institution.